Hello everyone, myself Parikshit and this is my next video diary. Thanks for watching my last 2-3 videos, really appreciated for that. And आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि आई एम ट्रेवलिंग टू क्वींसटाउन साउथ आइलैंड में, सो दैट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस. और 2-3 वीडियोज के आने वाले हैं, सो प्लीज कीप वॉचिंग और शेयर योर फीडबैक वॉट एवर यू हैव इन माई कमेंट बॉक्स एंड लेट्स एंजॉय. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. चलिए सफर शुरू करते हैं. और ये रवि भाई हैं फ्रॉम अमृतसर पंजाब. आज ये मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए हैं एंड माई होम स्वीट होम. अब इसके दर्शन 3-4 दिन बाद ही होंगे. फिलहाल एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं, सो पहले एयरपोर्ट चलते हैं जल्दी एंड लेट्स चेक आउट ओवर देयर. इन अ गाउन एंड अ क्राउन, बेयरफुट. नो मिस्टेक एवर केप्ट मी लेट. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile. Oh, भाई का बड़ी तगड़ी भीड़ है फ्लाइट में. अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है. फिलहाल मैं तो सीट की पेटी बांध कर बैठ गया हूँ. Let's enjoy this flight. Wow, look at the view. Flight to Delhi, मन खुश हो गया. By the way, camera not allowed in Queenstown Airport, but थोड़ा जुगाड़ फिट कर लिया था. पीछे वाला भाई ने थोड़ा हेल्प कर दी थी और मुझे थोड़ा व्यू मिल गया while walking in the airport. But look, it's finally I am at Queenstown. I can't believe I am at Queenstown. And Queenstown, रानी का शहर, इंग्लैंड की रानी का शहर है ये, because she loves this place. So finally, यहाँ से निकल के फटाफट वैन पिक करनी है. वैन मेरे को पिक करेगी, सॉरी. सो वैन इज़ वेटिंग फॉर मी आई गेस. बट थोड़ा चलते ही ना, आई जस्ट वेट, थोड़ा रुक के मैं मोमेंट्स कैप्चर कर लूँ. सी दिस माउंटेन्स ओवर हियर, स्नो माउंटेन्स, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट. सो आई नीड टू पिक द कॉल. वैन पीपल आर कॉलिंग मी, सो सी यू गाइस इन द वैन. Thank you. तो क्वींसटाउन आ गए और वैन में बैठ गए टू पिक अवर कार, द बुक रेंटर का. ठंड बहुत है, 3 degrees अराउंड. सो लेट्स सी क्या चलता है. एक चीज़ और, ये वैन सर्विस कार रेंटल वाले प्रोवाइड करते हैं, पिक एंड ड्रॉप उनके ऑफिस से एयरपोर्ट तक का. दिस टाइम मैंने टोयोटा की RAV4 4-wheel drive बुक करी है फॉर माई सेल्फ. और बहुत ईजी है, जस्ट लाइसेंस टू पे सम मनी और कार आपकी फॉर 3-4 days. सो लेट्स डू द एग्रीमेंट. लेट्स डू द रूम टूर. आई एम स्टेइंग एट कॉपथोन रिजॉर्ट. ये सिटी में ही है क्वींसटाउन के, और बहुत ही प्यारा प्यारी लोकेशन है इसकी. सो दैट्स अ बिग लॉन्च, रियली वेरी ब्यूटीफुल. एंड आई गॉट दिस प्लेस
वेरी चीप बिकॉज कोविड के चक्कर में टूरिस्ट आते नहीं यहाँ पे, सो आई गॉट इट लकीली. सो दैट्स द बिग बालकनी कनेक्टेड टू द लॉन्च. बहुत ही प्यारा व्यू है एंड लकीली कल यहाँ पे स्नोफॉल शो कर रहा है, सो आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ा मौका मिलेगा स्नो को फील करने का समथिंग. सो दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, द लेक एंड द माउंटेन नेक्स्ट टू दैट, द स्केनिक व्यू. एंड द अदर रूम इज द बेडरूम, सो दैट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल बेडरूम ओवर हियर. आई डोंट नो व्हाई दे प्रोवाइडेड मी टू बाथ टॉवल्स, बट दैट्स गुड. सो द सेम व्यू हमें जो हॉल से मिला वो यहाँ से मिल रहा है. एंड सी द लेक ओवर देयर, वो लुक्स टू नेचुरल. सो ये बेडरूम एंड दैट्स मी लुकिंग टायर्ड. थोड़ा सा स्टफ होता है प्रेस वेस करने का हैंगर्स. एंड लेट्स चेक आउट द वॉशरूम. सो इन छोटी सी शावर किट दी है, लेट्स ज़ूम इन ऑन इट. सो छोटी सी शावर किट है, मन तो करता है घर ले जाऊँ थोड़ा सा. एंड देयर इज स्पा बाथ, सो आई विल डू आफ्टर जिम. सो मैं शाम को जिम करूँगा एंड डू स्पा बाथ हो रहे. सो दैट्स इट अ रूम टूर. होप यू गाइज लाइक द रूम टूर. और आज एयरपोर्ट जाके गाड़ी पिक कर ली, होटल में चेक इन कर लिया. नाउ जस्ट शावर लेके वी गो टू द मार्केट. कल के लिए थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है बिकॉज कल एक लंबी ड्राइव है एंड रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है. सो बेटर इज टू टेक फ्यू स्टफ फॉर टुमारो. और कल मिलते हैं. तो भैया तैयार शैयार होकर होटल से निकल चुका हूँ और अनजान शहर में अकेले घूमने का अलग ही मज़ा आता है, खासकर रात में. सो बाय द वे टुडे आई हैव फ्यू चेकलिस्ट इन माय माइंड. पहली तो फैग बर्गर, वहाँ बहुत सुना है क्वींसटाउन में इसके बारे में. एंड अदर थिंग इज आफ्टर दैट अ -5 degree बार, इसके बाद सीधा होटल. सो लेट्स एंजॉय दिस. I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind, yeah. For you, my love. You drive me crazy, tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to, yeah. So now I am at -5 degree bar. और ये भैया कुछ ज्ञान दे रहे हैं रिगार्डिंग हाउ टू गेट इनसाइड बिकॉज बहुत ठंडा है अंदर. सो लेट्स लिसन दिस इंस्ट्रक्शंस एंड गेट इनसाइड. -10 degree. बाद का नाम -5 है, टेम्परेचर -10 चला गया, बहुत ही ठंडी है. लेट्स ट्राई सम ड्रिंक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, बट नाउ लेट हो गया है एंड कल मुझे जल्दी सुबह निकलना है. सो आशा है कि कल और आने वाले ब्लॉग बहुत अच्छे होंगे बिकॉज लोकेशन बहुत अच्छी है. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, सी यू सून, बाय बाय.